बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फारूक। पुलिस थाना गोजरा की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां थाना गोजरा के इलाका बोसाल के करीब 16 मन मुजरे सेहत गोश्त गाड़ी पर रावलपिंडी ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस थाना गोजरा ने एक मुलजम को धर लिया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। मौका पर मौजूद वेटरनरी डॉक्टर, फूड अथॉरिटी और इंचार्ज थाना SHO ने हमारे नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शमरेजर, मैं वेटरनरी ऑफिसर रुकन इंचार्ज सिविल अस्पताल। यहाँ पे आज सुबह मुमताज़ साहब SHO साहब जो गोजरा थाना के, वो उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने बताया कि एक डाला जो कि गोश्त ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसकी मीट की क्वालिटी चेक करें, आके दिखाएं। तो उसको आके मैंने अभी चेक किया है, मीट की क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है, अनहोलसम मीट है। इसको ट्रांसपोर्ट करना भी इलीगल है इस तरीके से। दूसरा ये कि ये मंगल वाले दिन ज़िबा करना भी इलीगल है। थर्ड ये कि इसको इतनी बदबूदार गोश्त लोगों को खिलाना भी बहुत ही गलत और ख़िलाफ़ कानून बात है। साथ में ये कि इस तरह अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट करना भी हो तो कम से कम वो अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट करने में मुमानत नहीं है। हम नहीं कहते कि ना ट्रांसपोर्ट करें, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से स्लाटर हाउस जो रजिस्टर करवाएं, उसके बाद जो है उसको एक तरीके से उसकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है पूरी करके लेके जाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस तरह का गोश्त आवाम को ना खिलाएँ, ये मेहरबानी करें और इन लोगों के ख़िलाफ़ फूड डिपार्टमेंट के साथ मिल के इंशाल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं बतौर SHO थाना गोजरा तैनात हूँ। DPO साहब मंडी बहाउद्दीन की हदायत के मुताबिक हमने ये कार्रवाई की है। ये काफ़ी अरसा से काम कर रहे थे गोश्त इधर मौसर गोश्त जो है वो लेके जाते थे रावलपिंडी और लोगों को खिलाते थे। इधर जो डंगर जो भी मरा हुआ इन्हें मिल जाए वो ये ले जाते हैं। हमें काफ़ी इतला मिली थी कि ये ले के जा रहे हैं, तो हमने नाका लगाया हुआ था। ये हमने नाके पर इनको रोका और एक आदमी शबीर अहमद नामी वो भाग गया है। ये जो आदमी है हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है और गोश्त डॉक्टर साहब के पास लेकर आए हैं, जो डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है कि ये गोश्त नाकस है और वाम को ये गोश्त खिलाना गैर खलाकी है और जुर्म है। ऐसा गोश्त वाम खाएगी तो वाम बीमार हो जाएगी, इसलिए हमने रात को नाका लगा कर इसको चेक किया है। DPO साहब ने हुक्म दिया था कि इसको हर सूरत में गिरफ़्तार करना है और हमने इसे गिरफ़्तार किया है और इसके साथ खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल सर्कल के थाना गोजरा के इलाका बोसाल में मुलजमान शबीर अहमद और अजहर इकबाल अरसा दराज से मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त रावलपिंडी और इसके मुलहका इलाकों में सप्लाई करने का धंधा करते हैं। मुलजमान 16 मन मुजरे सेहत गोश्त गाड़ी में ले जा रहे थे कि डिंगी पुल पर पुलिस ने गाड़ी को रोका और चेकिंग के दौरान खराब गोश्त बरामद कर लिया और गोश्त कब्जा में लेकर एक मुलजम अजहर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शबीर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गोश्त को तलब कर दिया।